13.1 मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज एक मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट है तो उसकी अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो जो फील्ड है तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। अब मैग्नेटिक नीडल को हम जहाँ पे भी प्लेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक। तो कुछ इस तरह की लाइन्स होती है। सपोज हमने नीडल को यहाँ पे प्लेस किया तो उसका एन इस साइड जाएगा, एस इस साइड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेस किया तो उसका एन इस साइड होगा, एस इस साइड। यहाँ पे किया, ठीक है, तो एन इस साइड होगा, एस इस साइड होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखें तो जो नीडल है वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो इस तरह की क्लोज लूप फॉर्म करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और मैग्नेट के अंदर भी फील्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह के पूरा का पूरा एक सर्कुलर क्लोज लूप फॉर्म होता है। मैग्नेट के अंदर एस से एन की ओर होता है और आउटर साइड में एन से एस की ओर, एन यानी कि नॉर्थ पोल और एस यानी कि साउथ पोल। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद इसको पूरा टॉपिक को हम समझते हैं। तो यहाँ पे एक मैग्नेट लिया है, बार मैग्नेट, और आयरन फाइलिंग्स लिए, आयरन के एकदम छोटे छोटे पीसेस, ठीक है। उसको कागज में लिया, उसके बाद कागज को एक दो बार थपथपाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से वो पूरी अरेंज हो जाएगी आयरन फाइलिंग्स, ठीक है। तो ये एक फील्ड लाइन्स दिखा रही है, ठीक है। अब इसका इससे कंपेयर करो तो ये फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट है उसके अराउंड में फील्ड लाइन्स है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, पोल के नियर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। और इसको फाइंड करने का एक दूसरा भी तरीका है कि हम मैग्नेटिक नीडल लें और उसको हर एक पॉइंट पे रखें। तो इस पॉइंट पे रखते हैं तो नॉर्थ इस साइड जाता है, साउथ इस साइड नीडल का। यहाँ पे रखते हैं तो इस डायरेक्शन, तो ये पूरा क्लोज लूप हो रहा है और इस तरह से डायरेक्शन होता है। कोई भी जगह पे अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो, ठीक है, तो उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट लेना होगा, तो वो जो होगा वो डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पे, ठीक है। और ये पूरे क्लोज लूप फॉर्म होता है। तो हम इसी के ऊपर पूरा टॉपिक देख लेते हैं। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट है उसके नियर हम कंपास लाएंगे मैग्नेटिक नीडल, तो वो डिफ्लेक्ट होगा। अब डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के नियर लाते हैं तो अपोजिट पोल हो तो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और सेम हो तो रिपल्सन होता है। तो उसी वे में मैग्नेटिक नीडल पे भी फोर्स फॉर्म होता है। अ कंपास नीडल इज इनफैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। तो नीडल यानी कि वो मैग्नेट ही है, उसके अंदर जो नीडल है वो मैग्नेटिक होती है, तो उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। द एंड्स ऑफ अ कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो ठीक है, अर्थ है हमारा बेसिकली, अर्थ, तो अर्थ भी एक मैग्नेट ही है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ का जो नॉर्थ है वहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का, और साउथ डायरेक्शन है वहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो बेसिकली क्या होता है कि नीडल होता है उसका नॉर्थ पोल जो होता है वो अट्रैक्ट होता है इस साइड और साउथ पोल इस साइड, तो उसको जब हम फ्रीली रख देते हैं तो वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ की ओर पॉइंट करेगा। तो ये साउथ, ये एक्चुअली डायरेक्शन नॉर्थ है ये वाली, और ये साउथ डायरेक्शन है, लेकिन जो पोल है वो साउथ पोल है मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट, और साउथ में नॉर्थ पोल है। तो उस वजह से नीडल होता है, नीडल का नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में। द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। तो जो पोल नीडल का जो नॉर्थ की साइड जाता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और साउथ वाले को साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्थ में जा रहा है वो नॉर्थ पोल और साउथ में साउथ पोल। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपेल व्हाइल अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो एन एस होता है तो वो अट्रैक्शन होता है, और एन एन और एस एस के बीच में रिपल्सन होता है। वो आप खुद ही अपने दो मैग्नेट लेके उसके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो पूरा। आयरन फाइलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड लाइंस।
तो आयरन फाइलिंग्स हम डालेंगे बार मैग्नेट के अक्रॉस में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह वो अरेंज हो जाएगी। द आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर, तो यही पैटर्न में होगी। व्हाई डू द आयरन फाइलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट। द मैग्नेट एग्जर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, देयरफॉर द आयरन फाइलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो आयरन फाइलिंग जो है उसके ऊपर फोर्स होता है, तो वो थोड़ी अट्रैक्ट भी होती है और अपना डायरेक्शन भी चेंज करती है थोड़ा बहुत। द फोर्स दस एग्जर्टेड मेक्स आयरन फाइलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न, तो मैग्नेट की वजह से ही जो आयरन फाइलिंग्स है इस वे में अरेंज हो रही। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, अब उसके कुछ रीजन तक ही उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, सपोज कि इतने तक देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ भी रखेंगे मैग्नेटिक नीडल तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे बहुत ही वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड, या फिर नहीं है ऐसा कह सकते। तो ये जो पूरा रीजन है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके बाहर उसकी इफेक्ट नहीं होगी मैग्नेटिक। द लाइन्स अलोंग विद द आयरन फाइलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो ये जो सब है ये लाइन्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आर देर अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट, यस यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ अ फील्ड लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्टिविटी दिया हुआ है कि आपको एक मैग्नेटिक नीडल चाहिए होगा, एक बार मैग्नेट चाहिए होगा, तो बार मैग्नेट रखना है, उसके बाद मैग्नेटिक जो कंपास है उसको हर एक जगह पे पुट करना है पॉइंट्स पे, और वहाँ पे जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो देखना है, और एन और एस, तो एस से एन जो होता है वो होता है उसका डायरेक्शन उस पॉइंट पे। तो हर एक पॉइंट पे देखेंगे, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है ये है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस तरह से पूरा आपको एक डायरेक्शन मिलती है मैग्नेटिक फील्ड की। इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो बन जाएगी पूरी एक फील्ड लाइन, तो ये पूरी बन गई फील्ड लाइन। ड्रॉइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ अ कंपास नीडल, तो कंपास नीडल की मदद से हमने पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी हम हर एक बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, नीचे भी ऊपर भी हर एक साइड पे। तो यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से हुई। अब हमें लगता है कि ये वाला यहाँ से जाके आगे नहीं है, नहीं आगे है, इस तरह से लंबा, पर ये थोड़ा वीक होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में क्या है कि जहाँ पे भी वो एकदम नियर होती है वहाँ पे उसका मैग्नेट्यूड ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और जहाँ पे अपार्ट होती है वहाँ पे वीक होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होगा और यहाँ पे स्ट्रांग होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पोल के नियर होता है। तो फील्ड लाइन्स अराउंड बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट है उसके अराउंड में फील्ड लाइन्स है। फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल में एंड होती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन भी होती है। हम मैग्नेट के अंदर तो जाएंगे नहीं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे फील्ड लाइन होती है, देखो तो ये पूरा क्लोज लूप फॉर्म होता है। तो इसको हम देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन यानी कि सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, और उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, उस पर फोर्स भी लगेगा, तो यानी कि उसको डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। तो जो नॉर्थ पोल होता है जो डायरेक्शन में जाता है उसी को उसकी डायरेक्शन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो सपोज यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक नीडल रखा तो उसका नॉर्थ पोल इस साइड जाएगा और साउथ पोल पीछे की साइड होगा, तो ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल वाली। देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और एंड होता है साउथ पोल में। नॉट द एरोस मार्क ऑन द फील्ड लाइंस, तो ये जो एरो है वो उसका डायरेक्शन दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का। Inside the magnet, the direction of field lines is from its south pole to its north pole. ठीक है, तो outside में north से south होता है और inside south से north जाता है, ठीक है, इस तरह से होता है हर एक magnet में।
Thus the magnetic field lines are closed curves. तो क्लोज कर्व यानी कि पूरा क्लोज हो रहा है कर्व, ठीक है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर से वहीं पे आ जाता है, पूरा क्लोज कर्व है. द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन. तो जहां पे भी फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहां पे अपार्ट है वहां पे वीक है. द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट placed in greater where the field lines are crowded. तो जहाँ पे crowded है यहाँ पे हमें जरूरी नहीं है कि needle ही ले, हम कोई और दूसरा बार magnet ले, ठीक है, तो उस पर भी जो force लगेगा तो वो strength पे भी depend करेगा, कि strength ज़्यादा है तो उस पर बहुत heavy force लगेगा, एकदम rapidly वो deflect होगा, और जहाँ पे weak होगा वहाँ पे वो धीरे धीरे deflect होगा. No two field lines are found to cross each other. यानी कि दो field line है वो कभी intersect नहीं होती. सपोज यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि दो फील्ड लाइन है एक ही पॉइंट पे, तो बेसिकली उसका मीनिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में भी जाएगी और इस डायरेक्शन में भी जाएगी, दो डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो यानी कि फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को. इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दो फील्ड लाइन और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, द कंपास नीडल विल पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल. तो एक डायरेक्शन होगी ये और दूसरी होगी ये, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती. यहाँ पे जो हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत अपार्ट ही